आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में डेटा सेटिंग मेथड। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि रेंज को सिलेक्शन के बाद हम किसी सेल के ऊपर हम कैसे वैल्यू टाइप कर पाएंगे, फिर एक सीट से दूसरे सीट पे वैल्यू हम एक एज ए फॉर्म की तरह कैसे भेजेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका मॉड्यूल सब्जेक्ट जैसे कि मुझे अगर मान लीजिए रेंज वन पे कुछ लिखना है तो हम यहां लिखेंगे कि रेंज ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी लिखना चाहते हो, जैसे मुझे लिखना है नेम तो आप लिख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है कि रेंज जैसे कि मुझे बी वन पे लिखना है रोल तो मैं डॉट वैल्यू न भी लगाऊंगा फिर भी चलेगा, या फिर मैं लिख सकता हूं रेंज सी वन पे डॉट फॉर्मूला। इक्वल टू मार्क्स, ये तीनों में कोई फर्क नहीं है, तीनों आपकी वैल्यू को टाइप करेगा। ठीक सर, ओके ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए, इको होकर आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी और सेल वैल्यू को इस पे आगे डालते हैं जैसे मान लीजिए कि F1 की वैल्यू को मैं A1 पे डालना चाहता हूं तो मैं यहां लिखूंगा रेंज A1 जिस पे वैल्यू डलेगी वो पहले आएगा डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज F1 डॉट वैल्यू, तो A1 पे F1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, A1 पे F1 की वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि F1 में कोई फॉर्मूला डाला हुआ है 50 प्लस 60 तो A1 पे जस्ट क्या आएगा, नंबर आएगा, जैसे कॉपी पेस्ट जैसे वैल्यू पेस्ट करते हैं उस तरह से आएगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया रेंज A1 dot value equal to range F1 dot formula, तब क्या होगा, तब F1 की जो formula है मतलब formula के साथ उठ के आएगा, मतलब इस formula को उठाएगा और फिर A1 पे डालेगा, मतलब कि value डालते समय formula और value में फर्क होता है, मतलब जहां से वैल्यू आता है पिक होता है जहां पे स्टोर होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू स्टोर कर रहे हो या फॉर्मूला स्टोर कर रहे हो, राइट सर। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला आपको लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगाना है कि राउंड या कोई भी एक्सेल फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूला होता है कि आप वीवीए मेथड से लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला होता है एक्सेल मेथड से, जैसे एक राउंड का फॉर्मूला हमने लगा लिया, अब मुझे यही फॉर्मूला ए टू पे लगाना है बी टू पे लगाना है तो हम इसको कॉपी करेंगे और हम जाते हैं यहाँ पे लिखेंगे कि रेंज बी टू डॉट वैल्यू कर लीजिए या फॉर्मूला कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू आप इसमें इसको लिख दीजिए इनवर्टेड कॉमा से तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर ये तो बी टू तो हमने किया लेकिन मेरे पास अगर बहुत सारे वैल्यू है तो उस केस में क्या सबका राउंड फॉर्मूला मुझे एक एक करके लगाना पड़ेगा, जी नहीं, आप अपने एक्सेल मेथड एक तो वीवीएम मेथड से लूपिंग जिसको कहते हैं लूपिंग का इस्तेमाल आप करेंगे, लेकिन मैं यहाँ लूपिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ तो वीवीएम मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक अलग माइक्रो बना के उसको बता देते हैं आपको कैसे होगा। पहले तो सर एक चीज है, हाँ बोलिए, कोई सर
कोई हम एंटायर कॉलम का कोई चीज यूज नहीं कर सकते ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो नहीं, तो पूरे कॉलम पे लगा देगा फॉर्मूला वन एंटायर। टाइम में एक एक ही सेल पे अप्लाई होगा ना, उसके बाद में आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा। और दूसरा चीज है कि हर सेल में आपका एड्रेस अलग अलग, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ कि B2 से B5, लेकिन B2 से B5 पे सेम फॉर्मूला चल जाएगा, इसमें सबका A1 ही होगा, ओके समझे ना। इसलिए तो B2 से हमने लिया, यहाँ पे लिया B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने राउंड को फॉर्मूला इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। डालने के बाद अब जैसे कि दीपक जी आप पूछ रहे थे ना, फ्रीज व्रीज करना है कि नहीं करना है, अब मैं इसको कॉपी करूंगा, मतलब कि देखिए इस पे अप्लाई करता हूँ, तो इसमें वैल्यू डाल B2 नहीं, A1 B1 होना चाहिए, माफ कीजिए। अब हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला डाल दिया, अब मुझे इसको कॉपी करवा के नीचे की तरफ पेस्ट करवाना है, तो हम एक्सेल मेथड से चल रहे हैं, तो हमें फ्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रेंज B1 डॉट कॉपी, समझ गए, और फिर लिखेंगे रेंज बी, यहाँ पे B2 सॉरी, B2 से मुझे अब यहाँ लेना है, यहाँ से B2 हमारा हो गया, अब यहाँ से मुझे यहाँ नीचे की तरफ लेना है, पूरा ये लेना है, सिलेक्शन करना है। अब कैसे करेंगे देखिए, तो B2 हमारा स्टार्टिंग पोजीशन हो गया, जो कि कल की क्लास में बताया था मैंने आपको। फिर मैंने यहाँ पे लिखूंगा रेंज A65,000.nxlsup.offset0,1.select, और फिर पेस्ट जो होता है वो सीड का पार्ट होता है, तो मुझे लिखना होगा ActiveSeed.paste। अब ये क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बी कॉलन पूरा खाली है, तो बी कॉलन से ऊपर जाएंगे तो ऊपर ही चला जाएगा ना, तो हमें ए के अकॉर्डिंग पेस्ट करना है, तो हमने बोला कि एंडिंग पोजीशन नीचे से ऊपर होगा, तो ऑफसेट को मैंने बोला कि आप कर्सर को एक रो आगे चले जाओ, वो तो स्टार्टिंग एंडिंग ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो गया। अब इसको अगर आप रन करते हैं तो देखिए ये आपका डेटा पूरा में आपकी जो फॉर्मूला पेस्ट हो गया। अब दूसरा चीज यहाँ पर है कि मेरा अब एंडिंग B2 है, आई डोंट नो, मैं ये भी नहीं जानता कि B2 है कि नहीं, तब ये फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि रेंज जाना पड़ेगा A A सॉरी, तो इस कर्सर दिख रहा है ना कोई, हाँ ये जो दिख रहा है आपको, इसको जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, डॉट सेलेक्ट, फिर लिखेंगे रेंज, और रेंज में हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा एक्टिव सेल और एंड हो जाएगा एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सएलएस आप डॉट ऑफसेट 1,0.select। अब ये क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि भाई नीचे से ऊपर की तरफ आया, नीचे से ऊपर की तरफ आया, और ऑफसेट को बोला कि एक रो आगे की तरफ आ जाए और इसको सिलेक्ट कर लो, मतलब यहाँ पे आपका इस लाइन तक, आप इस लाइन के बाद आपका कर्सर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, मतलब कि आपकी एक्टिव सेल A B23 हो जाएगी। फिर मैंने बोला कि एक्टिव सेल से एक्टिव सेल के ऊपर तक जाओ, तो ऊपर तक गया, लेकिन ऊपर तक जाने के बाद क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि B1 को भी इसने सिलेक्ट कर लिया, जो कि एक फिल वैल्यू है, तो हमने फिर इसको बोला कि एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट एक नीचे आ जाओ, तो फिर वो शिफ्ट के साथ ही एक नीचे आ गया और इसको सिलेक्ट कर लिया।
तो इसको भी चलाइएगा तो आपका परफॉर्म करेगा। क्लियर है? हेलो, हेलो। बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ सुनिए, आई थिंक ये उसमें काम कर जाएगा ना, जैसे अगर एक सिंगल इंडिविजुअल लाइन है और उससे ऊपर हेडर है, मतलब हमारी एक्सेल फाइल में एक इंडिविजुअल लाइन है और उससे ऊपर हेडर है, तो ये वाला तो आई थिंक वहां पे काम कर जाएगा ना, ये लास्ट वाली रेंज एक्टिव सेल, एक्टिव सेल एंड अप ऑफसेट। हो जाएगी, बिकॉज मैंने कुछ ट्राई करके देखिएगा, दिक्कत होगी तो बताइएगा। ओके ठीक सर, मेरा थोड़ा सा ये बताओ ना यहाँ पे कि ये एक्टिव सेल डॉट एक्सेल अप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप तो ऊपर जा रहे हो, ऊपर ना। वाले को वो सेलेक्ट कर रहा है तो नीचे आना चाहिए ना, तो डाउन करना चाहिए ना यहाँ नहीं, यहाँ। नीचे तो आपका कर्सर, देखिए नीचे तो आपका कर्सर आ ही गया ना, वो यहाँ तो आ गया, ठीक है। हाँ तो मैंने बोला कि मेरा स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो एक्टिव सेल है, मतलब कि ये ए है। जिस, ठीक है ठीक है। हाँ तो मैंने बोला कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ओके हाँ तो जब अप एरो गया तो ऊपर तक सिलेक्ट हो गया ना, जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करते हैं तो नीचे सिलेक्ट हो जाता है, हाँ ऐसे मैंने इस यहां से कंट्रोल शिफ्ट अप एरो बोला। लेकिन एक हेडिंग आ गया तो ऑफसेट को बोला कि एक नीचे ओके ऑफसेट वहां काम कर रहा है ना। आ जाओ, मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन ए है और एंडिंग पोजीशन क्या है, सिंपल से एक नीचे, नीचे आ जाओ। हाँ कंट्रोल अप करो और एक नीचे करो, एक यहाँ और यहाँ के बीच में। नहीं, आप हेडफोन यूज कीजिए नीरज जी, आपकी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है। फिर हाँ सर, हेडफोन ही यूज कर रहा हूँ मैं। आपकी आवाज मुझे सुनाई क्यों दे रही है? मेरी आवाज आपके माइक से क्यों सुनाई दे रही है? आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। अब ठीक है, चलिए। अब इसमें एक चीज और हो सकता है, जैसे मुझे इफ का फॉर्मूला लगा है, यहाँ देखिए। इफ अगर मैंने इसको बोला कि अगर ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे ओके आ जाए, राइट? और फिर यहाँ पे पेंडिंग आ जाए। मान लीजिए कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप इस मेथड से चलते हैं, जो कि मेथड हमने ऊपर दिया हुआ है, इस मेथड को चलते कॉपी और पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे? क्या आशीष जी? क्योंकि जैसे आप इन्वर्टेड कॉमा में इसको डालेंगे तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि ये देखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा यहां स्टार्ट है और यहां खत्म है। एनी आइडिया क्या किस ओके केस में क्या करेंगे? सर, बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख के और लास्ट में फिर यहाँ लिख। बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखेंगे तो वहां पे ओके लिख देगा, ओके नाम का एड्रेस या फॉर्मूला को सर्च करेगा, वो मैं इक्वल टू के आपको पहले फॉर्मूला लगा एरर दे देगा, फॉर्मूला हुआ। आपका एरर दे देगा। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लगाएंगे, याद रखिएगा, जहां आपको बाहर इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है वहां पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। समझ गए? ओके जी सर, मतलब ट्रू और फॉल्स में हम आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। ट्रू एंड फॉल्स नहीं, जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला वीवीए के थ्रू आप लिखवा रहे हैं जो कि फॉर्मूला में भी इन्वर्टेड कॉमा को प्रिंट करना है, हम समझ गए? ओके हाँ, मतलब टेक्स्ट टेक्स्ट में। इन्वर्टेड कॉमा को एज ए टेक्स्ट आपको देना है, टाइप करवाना है, हाँ तो उस मतलब ओके कॉमा वाली सेंटेंस को एक और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखें, जैसे ये हुआ ना, आपको इसको बाहर प्रिंट करवाना है आपको, तो इसको इन दो इन्वर्टर कॉमा के बीच में रखें। मतलब ये तब इम्प्लाई होगा ना कि जब आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो और इसमें ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन में टेक्स्ट हो। टेक्स्ट का है कहीं भी हो,
ट्रू फॉल्स ओके जरूरी नहीं है, एनीथिंग फॉर्मूला जहां आपको ये देना है, चूज है, स्विच है, वो सारे फॉर्मूला है ना सर, एक कॉमन ओके हाँ यस 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 टेक्स्ट है, मिड है, रेट है, लेफ्ट है, राइट है, तो पर्टिकुलर को नहीं बोल सकता ना। सिंपल सी बात है, किसी भी फॉर्मूला के माध्यम से आपको बाहर इन्वर्टर कॉमा चाहिए तो वीवीए कोड में उसको डबल इन्वर्टर कॉमा के बीच में रखना, बस सिंपल सी बात। गया? हाँ सर हो गया ओके तो अभी अभी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है ना? ओके उस लिंक को आपको पढ़ना है और सेम उसी तरीके से बनाना है, जस्ट आपसे सर नहीं, आपकी आवाज डबल आपसे डबल नहीं, बना रहा है। एक मिनट में समझ नहीं पा रहा, मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है। ये हम लोग को दो दो बार सुनाई दे रही है फिर सर हमें ना मैं सुन। धीरा जी के जब म्यूट कर लेता हूँ तो आवाज ठीक हो जाती है। अब ठीक है आवाज? हाँ सर अब सही आ रही है। मुझे और इधर लगता है रखिए, हेडफोन का प्रॉब्लम ही है। आप म्यूट रखिए, आपके यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। चलिए तो आपके, मैंने एक वीडियो भेजा है जिसका हेडिंग है सेंड डेटा वन शीट टू अनदर टीम यूजिए वीवीए फॉर्म मेथड। इसमें क्या है कि आपने एक शीट पे फॉर्म बना रखा है और दूसरे शीट पे आप डेटा को एक के नीचे आप इंटी करवाते हो, इसके वीडियो है। अब इसमें जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, राइट? ऑफसेट, रेंज, वैल्यू डालना। अब आपको इस वीडियो को रेफरेंस में लेते हुए एक फॉर्म डिजाइन करना है, और इसी तो एक इसमें तो छोटा सा फॉर्म है लेकिन एक आपको एक ठीक ठाक फॉर्म डिजाइन करना है और एक शीट से दूसरे शीट पे डेटा को एंट्री करवाना सुजीत सर इसमें तो हम वो भी कर सकते हैं ना, जैसे आपने ये करा रेंज A65 एंड अप ऑफसेट ये डॉट सेलेक्ट, है। अगर हम इसको वही कर दें कि मतलब नीचे जाके देन वील सेलेक्ट सेलेक्शन डॉट फिल। सर तरीके तो बहुत सारे हैं, आप अप्लाई करके देखें, तरीका ओके ओके अगर सक्सेस हो जाता है तो ठीक है, समझ ओके सर रहे? तरीके बहुत सारे, अब मेरा तरीका मैंने बताया, जो तरीका मैं यूज करता हूँ मैंने बताया, आप मेरे तरीका को रेफरेंस करते हुए आप अपना तरीका भी इजाद कर सकते हैं। सर अगर एक सर आशीष बोल रहा हूँ सर, अगर इकट्ठे दो कॉलम सेलेक्ट करवाने हो वो भी कोई तरीका है, जैसे आपने पूरा ऑफसेट लगा कॉलम करवाना है सिलेक्ट आपको, पूरा कॉलम नहीं, जैसे रेंज को सेलेक्ट करते हुए जैसे आपने ये आप फॉर्मूला नीचे ऐसे बनाया। बताता हूँ आपको कि जैसे कि आपने A1 से लेके अगर आपने C1 लिख दिया, A1 C1 सिलेक्ट होगा ना, पूरा कॉलम करना है तो आप क्या करेंगे, इंटायर कॉलन डॉट सिलेक्ट। ये क्या होगा कि A से लेके C तक तीन कॉलन आपके सिलेक्ट हो जाएंगे टोटल, राइट? लेकिन अगर यस आप कहते हैं कि मुझे यहाँ मतलब कि मैं नीचे आऊं और इसको इस तरह से सिलेक्ट करूं, ये चाहते हैं ना आप, एग्जैक्टली सर यही बोला यही हाँ, तो बोला उसके लिए आपका एक्टिव सेल पोजीशन ये रहा, है ना? अब एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, यहाँ पे क्या है, कॉलन है जो कि 1 है ना, हाँ जी जगह यहाँ 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 नहीं, एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सलेस अब, हाँ 1,0, तो यहाँ कॉलम दिख रहा है। अब यहाँ पे कॉलम में 2 मैंने डाल दिया। अब 2 जब कॉलम डालोगे तो क्या करेगा ये आपका यहाँ पे आपका एक्टिव सेल तो यहाँ है, यहाँ से ऊपर जाएगा 1 एंड 2, मतलब कि यहाँ पे कर्सर रखेगा एंडिंग एंडिंग पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे रखेगा, तो ओब्वियसली आपका पूरा एरिया सेलेक्ट होगा। ओके सर एक बार ना ये वाला ट्राई करना है सर, एक्टिव सेल वाला ऑफसेट के साथ थोड़ा देखते हैं कैसे काम करता है। बट इस तरीके से ये दो तीन कॉलम हम सेलेक्ट करवा सकते हैं हाँ जी, पर्टिकुलर रेंज के। ओके देखिए मैंने ये तीनों कॉलम को डिलीट कर दिया और 2 रेंज हमने रखा हुआ। सर लिंक भेज दिया क्या आपने? हाँ लिंक व्हाट्सएप पे चला गया है।
नहीं सर, मुझे तो नहीं आया उस सुधांशु जी दिन का सर। हाँ सर। आप ग्रुप में नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, अच्छा, ओके सर, ग्रुप में डाल देता हूँ चला जाएगा। चलेगा सर। अब सर एक कल के क्लास में रेंज पढ़ाया था सर आपने, हाँ रेंज के यूट्यूब बारे में। अच्छा, पे वीडियो डाल दिया, देख लीजिए यूट्यूब पे डाला है। चलेगा सर, चलेगा। इसमें एरर क्यों आ रहा है भाई। अच्छा ये आ रहा है कि यूज द, अच्छा पेस्टिंग बल बोल रहा है, पेस्टिंग का प्रॉब्लम बता रहा है, दूसरा प्रॉब्लम है। जो आपने सेलेक्ट किया है सर, उसका सेम पेस्ट करने का सेम साइज सेम नहीं है ना मैं कंपनी कॉपी का। किया नहीं, वो पेस्ट ला रहा है इसलिए से आ गया। हाँ अब देखिए सर, सिलेक्शन हो गया सर, ठीक है सर। ये हमने सिंगल कोट इसलिए लगाया ताकि ये डेड हो जाए और हमने वापस सिंगल कोट को हटा देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है सर। सर एक एक डाउट और आ रहा है, जैसे एक्टिव शीट डॉट पेस्ट किया तो ये उसने कॉपी और पेस्ट किया, अगर मेरे को पेस्ट वैल्यूज करवाना हो। तो पेस्ट स्पेशल होगा वो, मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है, आशीष अरोड़ा दानसु। जी सर, जैसे वह फेड करके आगे चले जाते हैं सिंगल लाइन, अगर प्रीवियस लाइन पे जाना हो क्या सर। प्रीवियस एस यू है सर, SUDH, एस यू DH, हाँ SUN नहीं होगा। हाँ, ये पहला वाला ही है सर। एच धीरज, धीरज जी आपकी मिला रिकॉल है। हेलो धीरज कुमार जी, यही है ना धीरज नहीं जी, सर, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, जॉब सीकर है। डालता हूँ जॉब, मैं एक ग्रुप बना दूंगा कल, जॉब सीकर बीएस भाव आ जाएंगे और दीपक जी। ठीक है सब क्या हो गया मेरा आईडी। सुजीत सर, हाँ जैसे F8 करके आगे की लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है, प्रीवियस लाइन का भी कुछ होता है ऐसे? जैसे नहीं क्या समझा नहीं, क्या प्रीवियस हम कोड कोड में जाते हैं, F8 करते हैं, तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है, इंडिविजुअल वो लाइन। नीचे यहाँ पे जो एरो होता है ना, एरो को उठा के गए और वैसे नहीं होता कुछ, मतलब शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट। नहीं, मैं पीछे की तरफ करना चाहते हैं आप। हाँ नहीं सर, नहीं वो आगे की तरफ डिजाइन है ना, पीछे आप करवा सकते हैं, लेकिन पीछे करवाने के लिए वही कि एरो की को आप जो है ना ये कर दे, उठा के रख दे जिस लाइन पे, जिस लाइन के आगे एरो की। जैसे आप मान लीजिए ना, मैंने एफेक्ट यहाँ पे गया, रिवर्ग में गया, एफेक्ट किया, अब ये एरो की जहां पर होगा वो वही पे वर्क करेगा। अच्छा, मुझे लगा कि कोई ऐसा फॉर्मूला हो, देन इट कैन गो बियॉन्ड। जब एफेक्ट करते हैं तो अगली लाइन पे जाता है, ये ऊपर से हाँ, नीचे। वो तो F8 करके तो नीचे की तरफ हर लाइन एग्जीक्यूट करता है। हाँ सर बात यह है कि ऊपर से नीचे की तरफ के लिए बना है ना, ओके ठीक है ना। चलिए इसको कीजिए आप लोग, रिकॉर्डिंग्स मैं सबको भेज दिया है, वीडियो वीडियो देखिए और देखने के बाद वैसा ही बनाने की कोशिश कीजिए, और बना के प्लीज भेजिए, कोई बहाना नहीं चलेगा, ओके सर। वरना आज तो मंगल है कि कल बुध है, मुर्गा बना देंगे आप लोगों को। ओके, इसमें जो अभी आपने वीडियो भेजा है, अभी इसमें तो हम ये चीज देख चुके हैं ना कि हमें कैसे डेटा मूव करना है, पेस्ट करना है, तो उस वक्त अभी जो वीडियो रेफरेंस भेजा है आपने, उसमें हाँ डेटा एंट्री का फॉर्मेट है, राइट? हाँ हाँ, तो वो हम लोग करते हैं ना प्रैक्टिस। ठीक है, 25 बार 25।